नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकलर्स में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के स्टीव डाइव वर्जन की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस चीज की जरूरत करगिल जैसे युद्ध के हालातों में महसूस की जा रही थी, जहां दुश्मन पहाड़ी के पीछे बैठा था और आगे उस पर वार करना संभव नहीं था। लेकिन ब्रह्मोस के स्टीव डाइव वर्जन से ये काम आसानी से हो जाएगा, मगर इसे कर पाना काफी कठिन भी होता है। जी हां, एक सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती हुई मिसाइल को लगभग 90 डिग्री पर मोड़ने पर बैलेंस बिगड़ जाने से मिसाइल गिर सकती है। और लेकिन सारा कमाल इसके मल्टी कोर इंजन का होता है। इसके इंजन से गर्म गैस को एक वॉल सिस्टम से मुड़ने के एंगल के विरुद्ध दिशा में फायर किया जाता है, जिससे ये मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड पर ही मुड़ जाती है। अगर बात करें इसके टारगेट कंट्रोल सिस्टम की, तो इसके लिए एक खास 3G चिप बनाई गई है, जो कि एक साथ GPS, ग्लोनास और गगन के सिग्नल को इस्तेमाल करती है और अपने टारगेट को पहचानने के लिए ये लेजर का इस्तेमाल करती है। ये एक लेजर बीम को फायर करती है जो लगातार गोल सर्कल में घूमती है और अपना दायरा बढ़ाती रहती है। जैसे ही टारगेट इसके सर्कल में आता है, वो सीधे 90 डिग्री पर अटैक कर देती है, यानी कि ये मिसाइल आपके सिर के ठीक ऊपर से आती है और जिस वजह से कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसके विरुद्ध कारगर नहीं हो पाती है। और इसके सुपरसोनिक होने से इसके किए गए ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये है ब्रह्मोस के स्टीव डाइव वर्जन की बात। आपका ब्रह्मोस स्टीव डाइव वर्जन के बारे में और क्या कहना है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।